गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अब देख सकते हैं मेरे आँख कितना सूजा हुआ लग रहा है। एक्चुअली आज मेरी नींद बहुत जल्दी टूट गई, लगभग सुबह 4:30 बजे ही। अचानक से पता नहीं कितना काम का भी प्रेशर है और उसकी वजह से मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, तो मैंने पूरा हेयर में ऑयल को भर दिया है। पूरा आप देख सकते हो चिपकू चिपकू लग रहा है। एंड मौसम भी बहुत, देख सकते हो कितना खूबसूरत है। और एक घंटा मैंने वॉक किया, लगभग आधा घंटा पौने घंटा 15 मिनट रेस्ट किया मैंने बाहर में। फ्रेश वगैरह होके मैं अभी यहाँ चाय बनाने के लिए, और यहाँ मैंने चाय बन गया है। मेरे हस्बैंड अभी भी सो रहे हैं और मैं उनका वेट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, थकान लग रहा है। और यहाँ पर बन रहा है मेरा कड़क दमदार चाय। इसमें मैंने डाला है तुलसी पत्ता, अदरक थोड़ा सा, और थोड़ा सा इलायची पाउडर, लौंग का पाउडर। तो ये मिक्स गर्मा गर्म कड़क दमदार मेरा मॉर्निंग का कड़क दमदार मसालेदार चाय बन रहा है। एंड फिलहाल अब रेडी हो चुका है ये, तो अब मैं जा रही हूँ इसे इंजॉय करने के लिए और अपना मूड फ्रेश करने के लिए। गाइस, चाय का कलर कितना खूबसूरत है एंड साथ में कड़क दमदार मसालेदार चाय। मम्मा बेटा कहाँ है? रियान, मम्मा बेटा कहाँ है? रियान, मम्मा बेटा कहाँ है? मम्मा जा रही है, बाय। सो गाइस, चाय पानी हो चुका है और अब मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। एंड रात में मैंने ये सब मिक्स फूलने के लिए दे दिया था। चना है, राजमा है, छोला है, हरा मटर है, काबुली चना है, आप देख सकते हो सारा मिक्स है। इसमें मैं आधा अंकुर के लिए निकालूंगी और आधा का घुगनी बनाने वाली हूँ। पूरा मिक्स मिक्स एकदम लाइट मसाला डालूंगी, जीरा मिर्च धनिया लाइट डालूंगी, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो दोपहर के लिए भी है और अभी मैं इसमें भी डालूंगी। और ये प्याज और मिर्च मैं डालने वाली हूँ इसमें, और टमाटर मुझे काटना बाकी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुकर गर्म होने के लिए चढ़ा देती हूँ। इसके बाद चटपट 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 ये घुगनी बनेगा। सो गाइज, मेरा आज का ब्रेकफास्ट रेडी है। रोटी, सैलेड, अचार एंड ये साथ में मिक्स छोला, सो हेल्दी। अब देख सकते हो सब मिक्स है
एंड मैंने लाइट मसाला डाला है बहुत। लुक यम्मी एंड डिलीशियस। तो चलिए पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। देखो ये लड़का को, देखो देखो ये लड़का को देख लो, धूप इतनी करी और वो जो महान हो गया बच्चा, फिर से बम बम कर लिया तो चलो हो गया, बहुत पानी से खेल लिया। ओ माय गॉड, रे यार पूरा कपड़ा भींग गया बेटा। अब हो गया बेटा, अब नहीं मम्मा भींग जाएगी, होली नहीं है टुकू। रे यार अब हो गया, मम्मा मना नहीं नहीं खेल लिया ना बहुत, अब हो गया बेटा। अब हो गया बेटा, बाप रे बाप। सी गाइस, पूरा द्वार को ये पानी 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 पूरा द्वार जो है क्लीन हो गया, धोआ गया है पूरा पानी। क्यूट 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 यार, हालत होली खेल के तुम्हें आया पानी से। चलो जल्दी कपड़ा चेंज करो, उसके बाद तुम्हें हिसाब किताब लेते हिसाब किताब। चेंज कर चुका है, खेल की मजा है डुगू। हाँ। और खेलना है नहीं। रियान से यहाँ पे न्यू सॉफ्ट पहना है, न्यू रेड कलर का सॉफ्ट है डुगू, सॉफ्ट है नहीं। रियान देखो ना, कल यहाँ पे कल परसों गिर गया और रियान को यहाँ पे चोट लगी। ओह माय गॉड, साइकिल से गिर गया। उसके बाद कैसे गिरा डुगू बताओ तो, एक बार बता दो सबको, बता दो। उसके बाद चोट लगी। उसके बाद तुम रोया भी? नहीं नहीं रोया, रियान से स्ट्रांग बॉय हो गया। अब देखो देखो इसका, ये है झूठ मूठ का नीनी, झूठ मूठ की नीनी, झूठ मूठ की नीनी। दिन भर मम्मा को दम नहीं लग रहा, मम्मा को थोड़ा सा प्यार कर, छोड़ो जो मम्मा को रियान से प्यार नहीं कर बस, और किसी कौन देगा। वीडियो नहीं ले, वीडियो नहीं ले, मम्मा लेगी लेकिन, मम्मा लेगी लड़की को पढ़ रही, मेरे को ना बेटा है, मेरे मम्मी को चलिए तो बेटा है, मेरे जान है। से आ चुकी है और फेस वगैरह हमको कर, और हम मैंगो खा रहे हैं, हम मीठी से लेकर मैंगो खा रहे हैं। तब तक मैंगो खा चुकी है, तब तक तो मैंगो नहीं खा रहे हैं। दो पीस लेकर आए थे जिसमें एक रियांस दाबू और टूटो यम्मी यम्मी लॉलीपॉप। रियांस का फेस देख के लग रहा है यम्मी है ये, रेड को फिर टी शर्ट बदलना पड़ेगा। एंड यहाँ गाइस भाई बहन का प्यार, तो यहाँ से यहाँ मैंगो खा रहा है और इसकी दीदी प्लेट लेके खड़ी है, चूहे नहीं इसका ड्रेस में। सो गाइज़, दोनों किड्स के साथ मस्ती हो जाने के बाद अब मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो लंच में मैं यहाँ मसाला में फ्राई कर रही हूँ, एक्चुअली मैं पनीर की सब्जी बनाऊंगी और साथ में मैंने पुलाव का तैयारी भी कर लिया है। इधर एक प्लेट में मैंने सारा गरम मसाला काजू किशमिश वगैरह निकाल के रख दिया है, एंड इधर कुकर में मेरा दाल फ्राई बन चुका है, और इधर मैंने चावल को वॉश करके रख दिया है। जब खाने का टाइम होगा तब मैं उसे 15 मिनट पहले गर्मा गर्म पुलाव बनाऊंगी। तो आज का लंच है टेस्टी टेस्टी पुलाव, दाल फ्राई, और इधर पनीर की सब्जी बन रही है। ये सब्जी बनने के बाद फिर मैं इधर भिंडी और आलू का तरवा भी बनाने वाली हूँ। सो गाइस, पनीर की सब्जी मेरी बन चुकी है और अब बन रहा है भिंडी और आलू का तरवा। तो मिलती हूँ चलिए आपसे लंच के बाद। सो गाइस, अब मैं मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट शाम में, और नैप लेने के बाद यहाँ पर रियांस क्या कर चुका है आप देख सकते हो, रूम कितना मैसी हो चुका है, और इसका खेलने का स्टाइल आप यहाँ पर देख सकते हो, कहाँ कहाँ से क्या निकाल कर क्या करता है कुछ समझ में नहीं आता है।
अब मुझे इधर भी काम करना पड़ेगा, क्लीन अप करना पड़ेगा, पूरा ऑर्गेनाइज करना होगा सारा सामान को। एंड गाइस यहाँ पे ये नॉन स्टॉप खेल रहा था, मैं रोक भी रही थी लेकिन नहीं, क्या पता नहीं, मैं तो दिन भर बस इसी में गुजरता है, आधा 25% किचन में, 50% यहाँ पे और 25% इन लोग के बीच में, मतलब जो भी होता है रूटीन इन लोग का। एंड आप देख सकते हैं मैं क्यूट क्यूट बेबी जो है ये मस्ती भी करता है तो मुझे अच्छा ही लगता है। मैं थोड़ा छूट भी दे देती हूँ कि गर्मी छुट्टी है, इन्जॉय करो ज़िंदगी भर, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोड ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूट सी गाइस, इसका स्माइल देख के तो मैं फिदा हो जाती हूँ और सारा टेंशन जो है मेरा ख़त्म हो जाता है। चलिए पहले मैं इसको क्लीन अप कर लेती हूँ एंड ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, जो भी सामान वगैरह है इधर उधर फेंका है। सो गाइस आज का टेस्टी टेस्टी स्नैक है ये मूढ़ी, और यहाँ पे मेरा कचरी बन रहा है, सबको मैंने दे दिया है स्नैक मूढ़ी, झाल मूढ़ी टाइप में, और ये चना दाल का कचरी गर्मा गर्म पड़ारा। सो यहाँ पे मेरा कचरी बन चुका है और आज का टेस्टी टेस्टी स्नैक रेडी। See guys, look yummy and tasty. एंड यहाँ पे ये तीनों किड्स देखिए स्नैक को एंजॉय कर रहे हैं, ज्योति है, मिठी है, रियांश, तीनों टीवी देख देख कर मस्ती से स्नैक को एंजॉय कर रहे हैं। और रियांश क्या किया है, अपनी दीदी का सब कचरी ले लिया है, वो तो खाएगा नहीं, बस ले लेता और है। दो से तीन पीस खाएगा, दो पीस ही बहुत है, उसके बाद वो दे देगा। और ये मेरा स्नैक, स्नैक हो जाने के बाद सबका, मैंने रियांश को आधा घंटा स्टडी करवाया एंड मिठी का भी ट्यूशन चल रहा है सराए हुए उसके, और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में आज बन रहा है सत्तू का पराठा, साथ में परवल आलू की सब्जी एंड सरसों का मैं चटनी बना रही हूँ साथ में, और स्वीट्स में है सेवई। एंड गाइस आज का वीडियो में आपने देखा रियांश ने कितना बदमाशी किया, किस टाइप से वो खेलता है, गर्मी छुट्टी का ना ओरिजिनल फ़ायदा वो उठा रहा है एंड सारा दिन मैं उसी में बिजी हो जाती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।